तुम लोग भी बेटा फंसोगे, फंसोगे देखना, तुम लोग भी फंसोगे। इस तरीके की खुली चेतावनी देती है दोस्तों अर्शी बेगम ने। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो अर्शी खान ने यहां पर रुबीना दिलै, जैस्मिन और साथ ही साथ अभिनव शुक्ला, इन तीनों की तिकड़ी जो है इसको दे दिया है एक खुला चैलेंज। दरअसल क्या होता है आपको पूरा माजरा समझाता हूं, जो कि हम आज के एपिसोड में देखेंगे। यहां पर दोस्तों अर्शी खान ये बात का आरोप लगाते विकास गुप्ता को कि तुमको कैसे पता, मुझे ये बताओ कि तुमको वोटिंग के बारे में, इविक्शन के बारे में कैसे पता, ये रियलिटी शो है या फिर फिक्स शो है, ये इस तरीके की बात वो उठाती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि विकास गुप्ता यहां पर जो है उससे तूतू मैमे कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों रुबीना का फुटेज आता है जहां पर रुबीना दिलैक ये बात बोल रही कि बिग बॉस हम नन्हे मुन्ने बच्चों को आपने कहां फंसा के रख दिया, एक तरफ से इधर बाउंसर मार रहा है, एक तरफ से उधर बाउंसर मार रहा है। और यही बात कहीं ना कहीं दोस्तों लग जाती है अर्शी बेगम के, यानी कि अर्शी खान की, जहां पर वो कह रही है कि तुम लोगों को भी फंसाऊंगी मैं, देखना अब मेरा अगला टारगेट तुम लोग हो। तो इसका मतलब क्या है, अर्शी बेगम जो कि स्टार्टिंग में आई थी ये बात बोल के कि अभिनव तो मेरा है, मैं तो इसके बच्चों की नहीं, मेरे बच्चों का अब्बा है, ये समथिंग समथिंग जो वो सारी चीजें वो बोल रही थी, और फिर उसके बाद सडन उसने शिफ्ट किया था और पति पत्नी के वो में वो जो है बाहर निकल के पहुंच गई थी दोस्तों विकास गुप्ता के पास। फिर उसके बाद विकास से अब लड़ लिया तो अब कहां से फुटेज मिले, तो यहां पर दोस्तों अर्शी फिर से रुबीना, जैस्मिन और यस अभिनव के पास आ गई। सो यस गाइस, आपको क्या है लगता, क्या अर्शी खान को भी घर से यूं रुबीना ऐसे 1-2 का 3 करेगी, क्योंकि रुबीना से जो जो टकराया है एज पर मनु पंजाबी वो मुकी खाया है, चाहे वो कविता कौशिक हो या फिर वीकेंड के बार वाला इविक्शन। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।